सर्वोच्च आदरणीय रामनाथ राव जी और इस कार्यक्रम के महामंत्री आदरणीय गुलाब चंद जी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह का नए पवित्र कार्य आपने संचालित करके हम सबका उत्साह वर्धन करते हैं। साथ ही साथ मंचा से आदरणीय प्रमोद राव जी, हमारे बगल में बैठे बड़े भाई डॉक्टर प्रकाश राव जी, जो आप लाइन के हॉस्पिटल आपके बगल में संचालित करते हैं, बड़े भाई योगेंद्र जी, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो साथ ही साथ साथी कलाकार जो अपने गीत सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के शहीदों को नमन बंदन कराने का जो एक सीख प्रतीक देते हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पत्रकार साथी, सामने बैठे हुए तमाम भाई पिता के बुजुर्गों, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक बंदन अभिनंदन करता हूँ। एक बात कहूँगा साथियों कि आज का परिवेश, आज का माहौल, जो अपनी कथा पर रो रहा है, निश्चित रूप से हमारे वीर शहीद जिनके मन में थोड़ा सा भी क्लेश भाव नहीं था कि एक दिन आएगा जिस दिन इस देश की जनता अपने आदरों को बचाने के लिए, अपने देश के कलंक को बचाने के लिए रो रही होगी, ठीक उसी तरह से आज की जो सरकारें, फिरका परस्त सरकारें आपके बीच मुस्तैद है। निश्चित रूप से हमारे वीर शहीद जो भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दिए, निश्चित रूप से उनकी आत्मा आज रो रही है। लेकिन साथियों, इससे आपको अपना धैर्य तोड़ना नहीं है, बिल्कुल अपने मनोबल को टाइट करके अपने उत्साह को आगे रखते हुए निश्चित रूप से अपने मन और कर्म के आधार पर कार्य करते रहना है। निश्चित रूप से वह दिन आएगा जिस तरह से हमारे वीर शहीदों ने अपनी लड़ाई लड़ करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी निष्ठा, विचार, मन, कर्म से लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आज जिस बात से आप पीड़ित हैं, जिस बात से व्यथित हैं, निश्चित रूप से आपको उससे सफलता मिलेगी। केवल अपने धैर्य को बनाए रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ Thank you.
उन्हें दादी यही तरह नाम मिलाओ आई के हेरो सजा था।